शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय में बाउंड्री वॉल होना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है भदोही जनपद ज्ञानपुर ब्लॉक के पकरी खुर्द गांव में 40 साल से आज तक बाउंड्री न होने से रंजीत सहित 103 बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाउंड्री नहीं यहाँ बाटे और पे लगाए थे हम सब पेड़ पौधा तोड़ देते हैं और खिड़की फिरकी यहाँ सब लड़कियाँ आवत हैं तोड़ देते हैं और रास्ता बना लिए हैं और नहाते नहीं खो पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं और इस उड़दंग मचावत हैं और ताला फाला तोड़ देते हैं और खिड़की उड़की। अगर आपके स्कूल में बाउंड्री बन जाए तो आपके क्या फायदा हो? पढ़ाई अच्छा से होए और सुरक्षा स्कूल को हो जाए, पेड़ पौधा लग जाए, हो जाए छाँव हो जाए। बाउंड्री न रहने से पेड़ बाहरी लोग आके पेड़ तोड़ देते हैं और खिड़कियाँ तोड़ देते हैं और बाउंड्री न रहने से शौच कर देते हैं। मेरे यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है जिससे विद्यालय में साफ सफाई करने में दिक्कत हो रही है। बाहर से लोग आके यही शौच कर दे रहे हैं विद्यालय में। गांव के बच्चे पौधा लगाया जाता है उसको तोड़ देते हैं आके। गाय भैंस भी आके यहाँ बाउंड्री न होने के कारण से नुकसान कर रहे हैं। बच्चे बाउंड्री न होने से खिड़की तोड़ दे रहे हैं, दीवार पर गलत शब्द लिख दे रहे हैं और लाइटिंग कर दे रहे हैं कमरे के आसपास, जिससे हम लोग सुबह पहुँचने पर साफ सफाई कराना पड़ रहा है। अब विद्यालय लगभग 35 से 40 साल पुराना है हमारे जानकारी में और अभी तक वहाँ जब से विद्यालय बना है बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ है। मैंने अपने विभाग में लगभग 6 महीने पहले अपने अधिकारी को अवगत कराया, उन्हें एक लेटर दिए, उन्होंने आश्वासन दिया था जब भी मत प्राप्त होगा हम आपको पैसा देंगे बनवाने के लिए, अभी तक हमें मत प्राप्त नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि इस विद्यालय में बाउंड्री वॉल बने ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि भदोही जनपद के बीएससी के मोबाइल नंबर 94150665929 पर कॉल कर दबाव बनाए। मैं केसा देवी भदोही जिला से इंडिया नहट के लिए।